श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड अध्याय 4 हनुमान जी का लंकापुरी एवं रावण के अंतःपुर में प्रवेश। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी महाबली महान सत्वशाली वान शिरोमणि कपिकुंज हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में चार दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस गए। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। सत्वगुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखेरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह रमणीय पुरी अपने श्वेत मेघ सदृश गृहों से उत्तम शोभा पा रही थी। वे गृह अट्टहास जनित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाद्य घोषों से मुखरित थे। उनमें वज्रों तथा अंकुशों के चित्र अंकित थे और हीरों के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे। उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस गृहों से प्रकाशित हो रही थी। उन गृहों में से कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई एक स्वस्तिक के चिन्ह या आकार से युक्त थे और किन्हीं का निर्माण वर्धमान संज्ञक दो गृहों के रूप में हुआ था। वे सभी सब ओर से सजाए गए थे। वानर राज सुग्रीव का हित करने वाले श्री मां हनुमान श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उन कपिश्रेष्ठ ने जहां तहां एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय कंठ और मूर्धा इन तीन स्थानों से निकलने वाले मंद मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा कामवेदना से पीड़ित कामिनियों की करधनी और पायजेबों की झंकार सुनी। इसी तरह जहां तहां महामनस्वी राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों की कांची और मंजीर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोकने और गर्जने की भी आवाजें उन्हें सुनाई दी। राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने वहां मंत्र जपते हुए सुना और कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते और निशाचरों की एक बड़ी भीड़ का राजमार्ग रोक कर खड़ी हुई देखा। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मूर मुनड़ाए, कोई गोचर्म या मृग चर्म धारण किए और कोई नंग धड़ंग थे। कोई मुट्ठी भर कुशों को ही अस्त्र रूप से धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्निकुंड ही आयुध था, किन्हीं के हाथ में कूट या मुद्गर था, कोई डंडे को ही हथियार रूप में लिए हुए थे, किन्हीं के एक ही आंख थी तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे, कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े थे, कोई बड़े विकराल थे, किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे तो कोई बौने, किन्हीं के पास धनुष खड्ग शतर्गनी और मूसल रूप आयुध थे, किन्हीं के हाथों में उत्तम परिघ विद्यमान थे और कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे। कुछ निशाचर न तो अधिक मोटे थे, न अधिक दुर्बल, न बहुत लंबे थे, न अधिक छोटे, न बहुत गोरे थे, न अधिक काले तथा न अधिक कुबड़े थे, न विशेष बौने ही। कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे, किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी थे तथा किन्हीं के पास ध्वजा पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए देखे जाते थे तथा किन्हीं के पास पट्टिश वज्र गुलिल और पाश थे। महाकपि हनुमान ने उन सबको देखा। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे और ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे। कोई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे, कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे और बहुतेरे स्वेच्छानुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। कितने ही राक्षस तीखे शूल तथा वज्र लिए हुए थे, वे सब के सब महान बल से संपन्न थे।
इनके सिवा कपिव हनुमान ने 100,000 रक्षक सेना को राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतपुर के अग्रभाग में स्थित थे। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था, उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षा भवन को देखकर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वो सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा था, जिसने उस राजभवन को घेर रखा था। वो दिव्य भवन स्वर्गलोक के समान मनोहर था और वहाँ संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। 24-26 घोड़ों की हिनहिनहट की आवाज भी वहाँ सब ओर फैली हुई थी। आभूषणों की रुनझुन भी कानों में पड़ती रहती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले चार दांतों से युक्त सजे सजाए मतवाले हाथी तथा मदमत पशु पक्षियों के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। सहस्रों महाप्राक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपि व हनुमान जी जा पहुँचे। तदनंतर जिसके चारों ओर सुवर्ण एवं जांबुनत का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था तथा अत्यंत उत्तम काले अगुरु एवं चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी, रावण के उस अंतपुर में हनुमान जी ने प्रवेश किया।